हेलो एवरी कार बायर, आ रही है इंडिया में जल्द, ऑलमोस्ट लॉन्च ही हो गई। हम ही थोड़े लेट लतीफ हैं। i20 की एन लाइन, नॉट एन वर्जन, एन लाइन, पूरी एन लाइन। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उस चीज़ को हम कभी और समझेंगे। जब सिर्फ एन हमारी कंट्री में आ रहा होगा तब हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन हम एन लाइन के बारे में आज बताने वाले हैं, i20 की जो इंडिया में आने वाली है। सबसे पहली बात, जो यंगर जनरेशन है जिन्हें थोड़ी सी स्पोर्टी चीज़ें पसंद आ रही हैं आजकल। ऐसे पर्सनली मुझे थोड़ा ओल्ड स्कूल ही लुक पसंद आता है कार्स में या किसी भी चीज़ में, लेकिन और जो जनरेशन है, मैं ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, अपने आप को जनरल नहीं लेके चल रहा हूँ। और जो लोगों को यूजुअली चीज़ें पसंद आती हैं थोड़ी स्पोर्टी वर्जन में आती हैं इस एज में, उसी को ध्यान में रखते हुए i20 ने एन लाइन अपनी लॉन्च कर दी है। और ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर कर सकते हो या फिर बुक कर सकते हो 25,000 की अमाउंट में, और अगर आपको ऑफलाइन वगैरह करना है तो कुछ सिग्नेचर डीलरशिप्स हैं, आप उन्हीं के थ्रू कर सकते हो। ऐसे सिग्नेचर डीलरशिप्स की भी इंडिया में कमी नहीं है, ह्यूंडई की लिए तो है ही नहीं कमी, क्योंकि उसकी क्रेटा इतनी ज़्यादा बल्क में बिक रही है ना, 8-8, 9-9 महीने की वेटिंग चल रही है, और ऑफकोर्स हर कोई उसकी जो डीलरशिप है वो लेना चाहेगा, और कंट्री में फैली हुई है ह्यूंडई, तो सिग्नेचर वगैरह में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, मोस्टली चीज़ें मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में बताई थी या बनाई थी वो वीडियो, उसमें बता दी है। क्यों मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें अजम्पशंस थी, ये चीज़ आने वाली है, ये आएगी, ये आ सकती है, और ये चीज़ें जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो कन्फर्म्ड हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास आ चुकी है i20 की एन लाइन का डेब्यू हो चुका है, और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, आपको क्या क्या मिलने वाला है उस i20 एन लाइन में। और लास्ट में मेरा एक छोटा सा रिव्यू रहेगा कि आपको उस 80,000 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उस कार के लिए, वो आपको देने चाहिए या फिर नहीं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ एन और एन लाइन में फाइनली डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ जो बेसिक्स है, और आप भी जब भी एन आएगा तब हम आपको पूरा बता देंगे। एन लाइन है उसमें सिर्फ आपको विजुअल अपग्रेड्स मिलेंगे, कोई इंजन में नहीं, कोई ट्रांसमिशन में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जब मैंने अजम्पशंस वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सोचा था थोड़ी सी ट्यूनिंग तो एटलीस्ट कर देंगे, थोड़ी सी BHP वगैरह तो इनक्रीज कर देंगे ट्यूनिंग से, लेकिन ऐसा आपको नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन अगर आपको सिर्फ i20 का एन दिखता तो उसमें कुछ इंजन वगैरह में भी ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा दिए जाते और कुछ नई चीज़ें उसमें ज़्यादा करी जाती है, फोर्स ट्यूनिंग वगैरह करके उसे पावर उसकी इंक्रीज करी जाती या फिर इंजन ही दूसरा लगा दिया जाता। अब एन लाइन बाहर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन लाइन में क्या हो रहा है, उस चीज़ पे हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो हमें मेन काम है, एन लाइन इंडिया में क्या क्या ऑफर करने वाली है, क्या आपको वो लेनी चाहिए, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्राइस में, और क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या विजुअल अपग्रेड्स आपको एन लाइन में देखने को मिलेंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें एक्स्ट्रा मिलेगी। ऑफकोर्स पूरी वीडियो वही रहेगी जो हमें सिंपल या फिर प्लेन कह दें, प्लेन वर्ड लगा देते हैं, उस जो पुराने वाली i20 से हमें i20 एन लाइन में जो चीज़ें नई मिल रही हैं उन चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगी। सबसे पहले हमें मिलेगा फ्रेश अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन, एकदम नया, एकदम अच्छा स्पोर्टी लुक वाला हमें डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फिर हमें ड्यूल एग्जॉस्ट देखने को मिलेंगे, हमें जो स्टेयरिंग व्हील है वो एक डिज़ाइनर स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, 3 स्पोक होगा ऑफकोर्स वो तो, लेकिन उसमें एन लाइन की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। जो कंट्रोल्स हैं उसमें आपको डिज़ाइन एक अलग सा देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल वाली होती है वो नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको जो सीट्स हैं उसके बीच में सेंटर में आपको कुछ फ्लैग टाइप चीज़ें दिखेंगी जो कि चेक पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर रेड इंटीरियर्स जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा एक्सेंट आपको देखने को मिल जाएगा, स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी, या फिर वो जो फ्लैग है वो रेड कलर में आ रहा है, ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी रेड कलर में। एम्बियंट लाइट ब्लू वगैरह कोई कलर नहीं है उसमें, रेड कलर ही आपको देखने को मिलेगा। डोर पे अगर आप हैंडल्स देखें, डोर के हैंडल्स देखें, उसमें आपको रेड एक एलिमेंट देखने को मिलेगा। फिर हमें मेटल के पैडल्स मिलेंगे, ब्रेक और एस्केलेटर ऑफ कोर्स, क्लच तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें सिर्फ IMT और
DCT वाले वेरिएंट में ये वाला N-Line देखने को मिलेगी, उस चीज़ के हम बारे में हम बात बाद में करेंगे। 6 कलर ऑप्शंस में हमें देखने को मिल जाएगी ये कार। फिर जैसा कि मैंने पिछले अजम्पशंस वाले में बताया था आपको, इन विजुअल अपग्रेड्स के अलावा हमें सस्पेंशन और स्टेयरिंग व्हील का मैंने नहीं बताया था, लेकिन सस्पेंशन का मैंने डेफिनेटली बताया था आपको कि थोड़े से और हार्डर साइड पे दिए जाएंगे। और Hyundai की तरफ से यही कहना है कि 30% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ज़्यादा हार्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें स्टेबिलिटी अच्छी करनी है हाईवे वगैरह पे। स्टेयरिंग को भी वो ज़्यादा हैवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी फील हो उस कार में, आपको ज़्यादा कंट्रोल्ड फील हो वो कार। बेशक उसमें पावर तो उतनी मिल रही है, लेकिन आपको कंट्रोल्ड फील होनी चाहिए। चीज़ वैसे आपको पता क्यों हो रही है, क्यों यहाँ पे इंजन ऑप्शंस में अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, फिर उसकी पावर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? अगर आपको याद हो, बलिनो में हमें RS ऑप्शन देखने को मिला था, उसमें ज़्यादा पावर दी जा रही थी नेक्सा की तरफ से या सुजुकी की तरफ से, लेकिन क्या हुआ, वो फेल हो गई ना, कोई उसे ले ही नहीं रहा था। इंडिया में इतनी ज़्यादा पावर्ड कार भी काम नहीं आती है, हालांकि लोग उरस वगैरह लेके घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग नहीं लेते। Hyundai इस चीज़ को दोबारा से ट्राई आउट करना चाह रहा है कि क्या लोग स्पोर्टी या फिर इस अलग वेरिएंट पे पैसे देने के लोग तैयार हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स रहेगा, क्या उन्हें इंजन ट्यूनिंग वगैरह पावर एक्स्ट्रा चाहिए। अगर लोगों की तरफ से फीडबैक आएगा तो डेफिनेटली वो N भी लॉन्च कर देंगे, उनको क्या दिक्कत है। फिर हमें 10.25 इंच का मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हमें कार में देखने को मिलता ही है। अभी इंजन की बात करें तो हमें वही 1.0 लीटर वाला टर्बो GDI पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, डीजल इसमें नहीं आ रहा है, जो कि 118 BHP की पावर जनरेट करेगा और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा, वही जो पहले से आता है। और अगर हम इसमें वैसे बात कर ही लिया हमने इसकी, लेकिन अगर फिर से हम इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो 7-speed DCT देखने को मिलेगा और 6-speed IMT देखने को मिलेगा। फिर हमें फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 20.25 KMPL की क्लेम हो रही है, इतनी कभी भी नहीं मिलेगी आपको i20 में, DCT में देखने को मिल रही है, और 20 KMPH IMT में देखने को मिल रही है। सेफ्टी के फीचर्स की बात करें, 6 एयरबैग्स बहुत अच्छी बात है, ड्यूअल नहीं मिल रहे हैं, 6 एयरबैग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, ऑटो हेडलाइट कंट्रोल या फिर वो यूनिट देखने को मिल रही है, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है, डिस्क ब्रेक्स ऑल 4 व्हील्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है, हिल असिस्ट कंट्रोल देखने को मिल रहा है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हमें देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं। N-Line में आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, हाँ वो इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अभी भी नहीं रख पा रहे, क्योंकि आप इतने पैसे पे 10 लाख 12 लाख इतने पैसों पे आके आप एक SUV पे जाओगे ना, चाहे कॉम्पैक्ट SUV भी, Terra Brezza हुई या फिर Venue हुई अगर आप Hyundai से लेना चाहते हो तो, या Sonet हुई इवन अगर आपको Hyundai के रिलेशन वाली कार से चाहिए तो आप 12 लाख रुपए फूक के एक सेगमेंट ऊपर जाना चाहोगे या फिर स्पोर्टी वेरिएंट लेना चाहोगे किसी कार का, वो मुझे बता दो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये लो या वो लो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। सिर्फ आपको विजुअल अपग्रेड्स मिल रहे हैं इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिल रही, और विजुअल के अलावा आपको इंजन वगैरह में कोई अपग्रेड नहीं देखने को मिल रहा। तो आप या तो सिंपल जो नॉर्मल i20 आती है वो लोगे, N-Line सिर्फ कुछ शौकीन लोग लेंगे। बता दो क्या आप उन शौकीन लोगों में से हो जो N-Line को प्रेफर करेंगे, या आप ये सोच रहे हो कि हम एक बार कार ले रहे हैं ये वाली ही ले लेते हैं, आप बताओ इस बात को, या आप एक सेगमेंट ही ऊपर चले जाओगे, आपकी मर्जी है। आपको शायद उसमें माइलेज वगैरह कम मिले इसके हिसाब से, लेकिन आप एक सेगमेंट ऊपर हो इस कार से, पैसा फूक रहे हो तो दुनिया को दिख रहा है, फैंसी कार ले रहे हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रैशनल कंज्यूमर कितने हो। प्लीज़ यार एक बार कमेंट में बता दो कि कौन सी कार लोगे, सब्सक्राइब कर देना कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो।